तो देखिए आ गया है नरेशन का पार्ट 4 और इसके बाद होगा नरेशन का लास्ट पार्ट जो कि होगा नरेशन पार्ट 5। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो के जो भी विनर्स थे वो यहां पर हैं। फर्स्ट विनर है क्राफ्टी 251, सेकंड विनर है गोल्ड फिश 4997 और थर्ड विनर है विजेंद्र कुमार 2341। तो बहुत ही जल्द हम इन सभी से कॉन्टैक्ट करेंगे। और देखिए भाई, नाम अच्छे तरीके से आप अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं लास्ट में, ताकि हमें गोल्ड फिश और क्राफ्टी 251 ना बुलाना पड़े। तो देखिए ये है अब नरेशन का पार्ट 4, अच्छे तरीके से समझिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे उनके अच्छे तरीके से सही तरीके से आंसर दीजिएगा। प्राइस वही है स्टार्टिंग के जो हमारे पास 10 विनर्स हैं, चलिए प्राइस चेंज कर देते हैं। स्टार्टिंग के इस बार जो 5 विनर्स होंगे, क्योंकि हर बार विनर्स थोड़े कम जनरेट हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि प्राइजेस भी थोड़े बढ़ा देते हैं। तो ठीक है, अब देखिए जो स्टार्टिंग के 5 विनर्स होंगे उनको अब 100 रुपीज का फोन पे या पेटीएम रिटर्न गिफ्ट उनको दिया जाएगा आंसर देने के रीजन में, जो भी सही आंसर देगा उन्हें। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिएगा और इन सभी क्वेश्चंस के लास्ट में जो क्वेश्चंस होंगे इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और विनर्स को और जो भी हमारे प्राइजेस हैं उन्हें अच्छे तरीके से आपको जीतना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए विनर्स यहाँ पर हैं और अब हम देखेंगे नरेशन का पार्ट 4। तो देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा, नरेशन में पार्ट 4 है आपका, पास्ट में WH वर्ड्स जब आ जाते हैं पास्ट के इंटरोगेटिव में। देखिए पास्ट के, अभी मैंने लास्ट में आपको क्या था, पास्ट के इंटरोगेटिव सिखाए थे, लेकिन पास्ट के इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और आज हम करेंगे उन सेंटेंसेस की बात जो सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, सेड को और सेड टू को दोनों को आस्क्ड में चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमा को WH वर्ड में ही हम चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट टेंस में हमने क्या किया था, इफ यूज किया था, यहां पर हमें क्या यूज करना है, WH वर्ड से यूज करने। बाकी के जो पास्ट की सिंपल एक्सरसाइज से जितने भी रूल्स हम फॉलो कर रहे थे उन सभी रूल्स को हम अब फॉलो करेंगे, इस वाले पार्ट में भी उन सभी को फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हर बार समझाने की तरह अब मैं समझाऊंगा आपको वही हमारे बेसिक रूल कि भाई आई माई मी वी आर अस ये होंगे हमारे फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके चेंज साथ किसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाएंगे बच्चों, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए जाएंगे, और यू योर यू ये होगा हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाएंगे, ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट है ही शी सॉरी ही हिज him, she, her, her, they, their, them, ये सभी हमारे, इन सभी को देखिए फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन में काउंट होंगे और इसमें क्या होता है, नो चेंज। हर वीडियो में मैंने ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, फर्स्ट वीडियो में थोड़ा डीपली अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो अच्छे से समझिएगा। और इन पर्सन को जो भी जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिएगा, और नो चेंज होगा तो नो चेंज करिएगा। आइए समझते हैं इंटरोगेटिव के WH वर्ड से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उन्हें हमें किस तरीके से चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही सेड टू मी Why are you going? He said to me, why are you going? देखिए तो देखिए इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, He said to को किस में चेंज करना है, asked में, He asked
मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या यूज करना है हमें? वाई। मैंने बताया था इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या यूज करना था? डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? वाई। तो यहां पर इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया बच्चों? वाई। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? मी। क्या है ऑब्जेक्ट? मी। तो देखिए मी के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें? आई। इज एम आर का क्या हो जाता है? वॉज वर। आई वॉज गोइंग। वाई? आई वॉज गोइंग। ठीक है, तो देखिए ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। आइए एक और एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम, व्हेन विल दे पे द फी। ओके, तो देखिए आई ऐसे यूज करेंगे। सेड टू को किस में चेंज किया? आस्क्ड में। हिम हमारा ऐसे ही आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या यूज करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। बिल्कुल सही, तो डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे ही आ जाएंगे। व्हेन। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दे हेयर। ओके, सो देखिए विल का क्या होगा? वुड पे द फी। तो देखिए ये थे बेसिक से दो एग्जाम्पल, और अब बारी आती है उन सभी उन वो तो देखिए अब ये 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, और इन 10 क्वेश्चन के जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए और विनर बन जाइए। इस बार कैश प्राइस या फोन पे पेटीएम प्राइस क्या है? 100 रुपीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जल्दी से आंसर सेंड करने, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और प्राइस जीतिए। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे अहेड।